हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूँ प्रियंका सो so दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मार्स की ये आईव्रो पेंसिल की रिव्यू जो कि मैंने लिया है नायका से एंड इनका प्राइस लिया है फोर्टी नाइन रुपीज़ जो कि आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके की आ, पेंसिल है कुछ इस तरीके का इनका आ, मतलब कलर है जो कि मैंने लिया है डार्क ब्राउन कलर एंड ये ना एक कोम करने का जगह है जो कि आप देख सकते हैं इनसे ना आप इस तरीके से कोम कर सकते हैं अपने हेयर को आ, मतलब आईब्रो हेयर को एंड इस तरीके से आप इन्हें ओपन कर सकते हैं कोई स्पूली नहीं है एंड कोई शार्पनर भी नहीं है ओके okay? तो इसे आपको अलग से शार्पनर से आप इसे शार्प कर सकते हैं देन आप इससे अपने आईब्रो को जो है फिलअप कर सकते हैं एंड दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि मेकअप में आईब्रो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप आईब्रो नहीं करते हैं तो मेकअप का कोई मज़ा ही नहीं आता है मेकअप अच्छा ही नहीं लगता है अगर आपको आईब्रो उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आपके आईब्रो ऑलरेडी बहुत ही अच्छे हैं घने हैं तो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर आप आईब्रो नहीं करते हैं सिर्फ मेकअप करते हैं आईब्रो को फिलअप नहीं करते हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप एक आईब्रो पेंसिल अच्छा सा ले सकते हैं ओके अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में लेना चाहते हैं तो ये आईब्रो पेंसिल ठीक ठाक है एंड इनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी सो so दोस्तों इससे पहले मैंने आपके साथ आईब्रो पेंसिल शेयर किए थे सुइस ब्यूटी के जो कि वो भी फिफ्टी नाइन या 49 नाइन रुपीज़ का था बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था एंड मैंने मिस क्लियर के आपके साथ शेयर किए हैं आईब्रो पेंसिल वो एक सौ दस का आता है वो भी बहुत अच्छे थे एंड जो सुइस ब्यूटी का मैंने आपके साथ शेयर किया था वो भी बहुत अच्छे थे लेकिन ये मार्स का जो आईब्रो पेंसिल है ना ये मुझे ओके ओके सा प्रोडक्ट लगा है उतना ज़्यादा अच्छा पिगमेंटेशन इसका मुझे नहीं लगा है उतना अच्छी तरीके से इसने मेरी आईब्रो को जो है वो फिलअप नहीं किया है अगर आप इसी प्राइस में आईब्रो पेंसिल ढूँढ रहे हैं तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ब्यूटी का ले सकते हैं ब्यूटी का सबसे ज़्यादा अच्छा होगा वो बहुत ज़्यादा डार्क है पेंसिल एंड वो ना आईब्रो को अच्छी तरीके से एक डेफिनेशन दे देते हैं आईब्रो को अच्छी तरीके से वो पेंसिल ना फिलअप करते हैं सूस ब्यूटी का लेकिन मार्स का मुझे उतना अच्छा नहीं लगा है जितना मुझे सुइस ब्यूटी का लगा था एक ही प्राइस है एक ही रेंज है कलर भी आपको डार्क ब्राउन मिल जाएगा अगर आपको डार्क ब्राउन कलर चाहिए मेरी तरह तो मैं आपको बोलूँगी कि आप स्विज ब्यूटी ले जी, लीजिए क्योंकि ये जो आईब्रो पेंसिल है मुझे ओके ओके सा प्रोडक्ट लगा अगर आपको ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ तभी आपको समझ में आएगा अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट ओके ओके सा लगा है मैं इसे दो बार आप तो परचेज़ नहीं करूँगी एंड अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करते हैं सौ रुपये में तो आप मिस क्लेयर का ले सकते हैं आईब्रो पेंसिल जो कि बहुत ही अच्छा आईब्रो पेंसिल है मुझे तो काफ़ी हद तक पसंद है मिस क्लेयर की आईब्रो पेंसिल ओके एंड ये जो आईब्रो पेंसिल है ये मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया है मार्स का तो आप देख सकते हैं अगर आपको पसंद आता है तो आप ले सकते हैं दोस्तों तो चलिए दोस्तों मैं इसे आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ सो so, दोस्तों ये है आईब्रो पेंसिल जो कि मार्स की है एंड आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो की हालत क्या है एंड अभी मैं इन्हें फिलअप करूँगी एंड सबसे पहले मैंने इनका रैपर जो है वो मैंने आ, उठाया है एंड पेंसिल आप देख सकते हैं ऑलरेडी शार्प किया हुआ है एंड कलर इसका देख सकते हैं आप डार्क ब्राउन कलर के हैं लेकिन इनकी क्वालिटी मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा उतना ज़्यादा ओके ओके सा क्वालिटी लगा है एंड एवरीडे uh, के लिए अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो ठीक है थोड़ा बहुत लेकिन उतना मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि ना बीच बीच से ना ये हट जा रहा था कलर एंड uh, अच्छी तरीके से फिलअप नहीं हो रहा था एंड सबसे बड़ी बात है ना शार्पनिंग करने के बाद ये जो पेंसिल है ना टूटना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा टूट जाता है एंड एकदम ही टूट के गिर जाता है एंड उसके बाद ना बहुत ही गंदा सा लगता है एंड अच्छी तरीके से शार्प भी नहीं होती है ये पेंसिल तो मुझे ये प्रोडक्ट ओके ओके सा लगा है अगर आपको पसंद है तो आप इन्हें परचेस कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों आपने देखा कि ये प्रोडक्ट कैसा है तो ये मुझे तो ओके ओके सा लगा है अगर आपको पसंद आया है तो आप ले सकते हैं इसे नायका से एंड ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फिर एक लाइक ज़रूर से करके जाइएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू तो माई यूट्यूब चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर से हिट करके रखिएगा ताकि मेरी आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास इजिली पहुँच सके सो so, मैं मिलती हूँ आपके साथ फिर एक नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों बाय खुश रहिए हैप्पी रहिए एंड मेरी वीडियो और भी देखते रहिए दोस्तों So, so bye bye.